हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबको हम बताएंगे स्टैंडर्ड फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान लग रहा होगा आप सबको, उतना भारी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ हम आप सबको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और आप सब भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समस्या होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो अब हम सब बेसिक फार्मूला का तो स्टडी किए हैं और उस पर कुछ लेसन भी बनाए हैं, तो फार्मूला हमें ज़रूर कंठस्थ हो गया होगा, ये हमें मालूम है और आप सबको भी खुद मालूम है, क्योंकि मैं आप सबका कमेंट देखता हूं और यहां लाइक भी करता हूं आप सबके लिए। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया और मालूम हो गया कि नहीं, आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जहाँ भी हो प्रॉब्लम आप याद कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए आज हम स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड फार्मूला है क्या, इसका नाम सुन करके आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वर्मा सर है पास तो फिर क्यों है उदास, ये चीज़ हम नहीं आप सब भी जान रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। फार्मूला क्या है यहाँ स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला देखिए, हाँ देख करके घबराना नहीं है, बिल्कुल नाम इसका स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग जिस ढंग से अभी पढ़ाई करने वाले हैं ना, ये स्टैंडर्ड को भी हम बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे और एकदम इजी हो जाने वाला है और ये श्योर है। तो देखिए आप सबको पहले हम फार्मूला बताएंगे कि कैसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके पहले बताए थे बेसिक फार्मूला में क्या बताए थे मालूम है, सर्कुलर सिस्टम, उसमें कितना सारे फार्मूला निकालना पड़ा था, कितने फार्मूला को हम बोले थे आप सबको कि आप याद कर लीजिएगा। जी नहीं, याद नहीं करना है, आप उसको प्रैक्टिस करें, अभी बैठ करके प्रैक्टिस करें, आपसे इसके जितना भी प्रॉब्लम है ना उस सारा क्लियर होगा। तो यहाँ भी सेम वही होने वाला है। तो देखिए पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे और उसके बाद इस फार्मूला को हम सिद्ध कर करके बताएंगे कि ये फार्मूला ऐसे होता है और ऐसे सिद्ध हुआ, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए फर्स्ट नंबर फार्मूला जो हम जानते हैं उसी तरह आपको भी बताएंगे कि सर आप कैसे इतना फार्मूला को स्टक किए हुए हैं, कैसे याद रखे हुए हैं, सेम वही पैटर्न से आप सबको ही बताएंगे। तो हम यही फार्मूला जानते हैं, क्या मालूम है, कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यही एक फार्मूला हम याद रखे हुए हैं जो आप सबको अभी याद हो गया होगा, याद जरूर रख लीजिएगा। इसी से अब हम फार्मूला निकालना स्टार्ट करते हैं। तो एक एरो को इस साइड में ले आएंगे और एक एरो को हम इस साइड में, दो डायरेक्शन हम बना लिए कि हम कैसे लिखेंगे, एक ही फार्मूला से हम कैसे फार्मूला हम निकालेंगे इसे। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ, कॉस टू एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख दिया है, अब यहाँ साइन है ना, इसको भी हम कॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैसे, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर है, अब यहाँ साइन जो बचा हुआ है इसको भी हम कॉस में ला दिए, यानी जितने भी यहाँ टर्म है आर एच एस वाला ये सबको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस में ला रहे हैं। तो क्या फार्मूला निकलने वाला है, कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस टू एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस वन। तो देखिए जो बॉक्स में हम घेर रहे हैं ना, क्यों घेर रहे हैं मालूम है, ये फार्मूला अच्छा है, क्योंकि यही फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और ये सब तो बता रहे हैं आपको ट्रिक माइंड में कैसे रखना है, तो माइंड में कैसे रखना है उस चीज़ की तो बाद में चर्चा होगी, लेकिन जो फार्मूला आपको स्टॉक रखना है इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला इसी से निकल गया, क्लियर है। अब यहाँ क्या करते हैं, ये साइन को हम कॉस में ट्रांसफ़र किए हैं, अब ये कॉस को क्या कर देंगे, साइन में ट्रांसफ़र करके एक और फार्मूला निकालते हैं। तो क्या है यहाँ देखिए, कॉस टू एक्स इक्वल यहाँ कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको साइन में ट्रांसफ़र कीजिए, क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये पहले से एक माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी लिख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये फार्मूला आपको निकल गया। तो इस एक फार्मूला से कितना फार्मूला भी निकाले हैं, दो निकालने हैं, तो अभी दो से काम चलने वाला नहीं है, और फार्मूला निकालना है और इसी फार्मूला से निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ यहाँ माइनस में है ना, इस साइड में लेंगे तो क्या होगा, प्लस में, तो वन प्लस कॉस टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा जो फार्मूला हम निकाल रहे हैं उसी तरह। फिर यहाँ देख लीजिए,
ये प्लस में है ना, तो इस साइड में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, ये साइन वाले टर्म को हम इधर लेंगे, जो माइनस में है सो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो उस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x। क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए, अब एक और फार्मूला यहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये चीज़ को देखिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, और ये है बाई में, गुणा में है तो इसको बाई में यहाँ ले लेंगे, तो एक साइन स्क्वायर एक्स का नया फार्मूला निकल गया। आप फार्मूला क्लास 10th में क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम यहाँ पर वो सबका यूज किए थे कि नहीं किए थे, किए थे, तो वो फार्मूला भी है, आप याद रखिएगा। जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना क्लास 11th का, उस टाइप का क्वेश्चन से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला का यूज कहाँ पर करेंगे, वो चीज़ भी हम आपको बाद में सिखाएंगे। तब तक जो पढ़ा रहे हैं ना उस पर फोकस करना है और इसी पर ध्यान लगाना है आपको। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, एक्स्ट्रा इधर उधर मत दौड़ाने की कोशिश कीजिए, जो हम कह रहे हैं उसी पर चलिए। अगर आपका मैथ क्लियर हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस की जितने भी सब्जेक्ट बाकी है ना वो सब क्लियर हो जाने वाला है, ये मेरा वादा है। और आज आप सामने हैं ना तो लिख लीजिए कि अगर मैथ समझ में आ गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं ना, टोटल सब्जेक्ट आपको आसान लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे एक शर्त है कि आप अभी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लास्ट में जब हम पूरा पढ़ाई कर लेंगे ना तो आप कमेंट में अपना नाम को दर्शा दीजिएगा। इससे मालूम चल जाएगा कि अच्छा हम यहाँ इतना मेहनत किए ना, तो आप भी इसका मतलब मेहनत किए हैं। और लास्ट पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, तभी जा करके आप सफल कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ, तो यहाँ भी कर लेते हैं, क्या होगा, कॉस स्क्वायर तो 1 प्लस कॉस 2x, और ये बाई में ले लीजिए 2, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला आप निकाल लिए। क्या कैसा लगा, इतना फार्मूला आपको समझ में आया? नहीं, और निकालना है, इतना से काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम और निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिए। ये क्या हो गया, 2 एंगल का फार्मूला अभी तक हम पढ़े हैं, और यहाँ 2 एंगल, यहाँ भी 2 एंगल, यहाँ तो एक हाफ एंगल है, सॉरी 1 एंगल है, तो ठीक है। अब यहाँ इसको देखते हैं, हाफ एंगल में पढ़ लेते हैं, यहाँ कैसे होगा, अगर यहाँ हम एंगल डिवाइड, यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 2 इन एंगल, एंगल में लिख दीजिए डायरेक्ट इन एंगल, एंगल में अगर 2 से डिवाइड करेंगे इन बोथ साइड है ना, दोनों तरफ आप करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स बाई 2 इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी फार्मूला होगा। ये क्लियर है कैसे, अब एंगल में कैसे करेंगे जरा सा देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 1 प्लस कॉस कॉस, यानी ये एंगल की प्लेसेशन है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और इसको रहने देंगे, फिर इक्वल में कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ भी एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसे कैंसिल होगा, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। तो इतना सॉल्व कर करके आप आगे जरूर बढ़िए, हमें मालूम है कि आप इतना छोटा छोटा टर्म को जानते हुइएगा। तो अब यहाँ भी क्या करेंगे, वही हम डिवाइड कर रहे हैं क्या एंगल में, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो ये भी एक फार्मूला आपको निकल करके आया। और फार्मूला है, इतना से काम चलने वाला नहीं है, तो हम आपको बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये रॉफ वाला है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से इसी में से और हम फार्मूला निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब देखिए कैसे हम सोच रहे हैं, आप भी मेरे साथ सोचने की काम कीजिए कि हम ये फार्मूला सोच करके और कैसे फार्मूला निकाल रहे हैं। सो अब यहाँ पर देखिए इसी से और हम फार्मूला निकाल देंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक ये भी फार्मूला निकल करके आया कि नहीं आया, आया ना यहाँ, क्या हम इससे भी फार्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स, क्या यही भी फार्मूला एक निकल करके आ गया। तो कितना आसान फार्मूला है, एक ही फार्मूला है जो देख लीजिए, देखने में इतना छोटा है ना, देखिए कितना बड़ा दुख दे करके गया है, जो आज हम लोग सबको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन आप जिंदगी से घबराएं नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा।
क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ कर करके जाना है आपको। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, तो जो भी चीज़ आप देखेंगे करेंगे ना तो वो बिल्कुल आसान लगने वाला है। तो इतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो यही फॉर्मूला, ये तो हम निकाल याद करने का, जो भी जितना बॉक्स में है इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये जितने भी फॉर्मूला है ना, ये हम सबको प्रूफ करवाएंगे, थ्योरम वाइज आपको बताएंगे, क्योंकि अब का लेसन जो हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखे हैं ये सब फार्मूला का यूज है। अगर हम आपको नहीं बताते तो फिर नेक्स्ट लेसन जब स्टार्ट होता तो क्या बोलते, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, कैसे सर ये तो हम समझ में नहीं आ रहा है, आप फार्मूला भी नहीं बताएं। इसीलिए हम आपको बोलने से पहले ही हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट फार्मूला भी बताते हैं। तो चले और फार्मूला हम निकालते हैं। वो फार्मूला हम इसलिए आपको इस तरह से बताएं कि अब आप सबके ऊपर हैं कि कैसे फार्मूला को याद रखें, बारीकी से हम फार्मूला को प्रूफ भी करवाएंगे। तो चलिए हम यहाँ ध्यान देते हैं। साइन 2x का भी फार्मूला होता है, साइन 2x बराबर 2 साइन x इन 2 कॉस x। जितने भी फार्मूला हम बॉक्स में लिख रहे हैं आप पहले फार्मूला लिखे, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ साइन x का फार्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ एंगल में 2 है तो 2 से डिवाइड जब करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए साइन x, और यहाँ कैंसिल होने वाला नहीं है तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये भी फार्मूला है। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ट्रिक है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे याद रख सकते हैं। साइन 3x का फार्मूला, तो देखिए फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये सब फार्मूला कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है थोड़ा थोड़ा कर करके, पूरा को ये नहीं है कि दिन रात आप मेहनत कीजिए और इसी के चक्कर में पड़ जाइए, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये फार्मूला श्योर है कि याद हो जाएगा, कितना भी मजा आया ना कैसे फार्मूला हम बताए थे। तो ये सबका ट्रिक है, जैसे हम फार्मूला आप सबको थ्योरम कराएंगे ना तो उस समय हम आप सबको और क्लियर कर देंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप ये सब फार्मूला को पहले नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, तो फिर हम चर्चा करेंगे। तो ये जितने फार्मूला हो गया सब स्टॉक हो गया, अच्छा कुछ और फार्मूला बच गया, अच्छा चलिए उस फार्मूला को भी अभी हम पहले दे देते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर हम बात करते हैं। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यही कुछ फार्मूला बच गया था जो अभी हमें लगा है कि नहीं कुछ और फार्मूला बचा हुआ है, उस फार्मूला को भी हम देख लेते हैं। ये बचा हुआ है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है मालूम है, साइन ए इंटू कॉस ए अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये फार्मूला रह गया था, अभी मिस्टेक से छूट गया था, तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी मिस्टेक हुआ तो अच्छा अभी समय है, अभी हम लोग सीख लेंगे। अब क्या है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो चलिए ये भी फार्मूला हो गया। अब क्या रह गया यहाँ, यहाँ और फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए ये भी फार्मूला हो गया। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला है, तो ये देखें आप नमनिंग को देख लीजिएगा, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए ये फार्मूला हो गया। अब क्या रह गया फार्मूला, तो अब यहाँ पर है टेन ए प्लस बी का फार्मूला है, क्या है टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए ये भी फार्मूला हो गया फाइनल। अब क्या फार्मूला है, तो देखिए यहाँ टेन ए माइनस बी का फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो देखिए ये भी फार्मूला हो गया। और फार्मूला जो होगा हम आप सबको बताएंगे, जो रह गया है तब तक इतना फार्मूला को सिद्ध करके भी हमको बताना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना टफ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आप सबके साथ हैं, ये हम बार बार बता रहे हैं। केवल आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे स्कूल से दूर है, कोचिंग से दूर है, वो सब के लिए भी फ़ायदा हो जाए। ये हम सब भी एज ए टीचर एक सोचते हैं हर स्टूडेंट के बारे में कि हर स्टूडेंट अच्छे करे। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस ग्रुप में नहीं है,
अगर आपके संपर्क में है तो उसे भी आप हेल्प कर दें, इससे आप सबको घाटा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ 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 आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हम आएंगे आप सबके सामने नेक्स्ट क्लास में और इस लेसन पर आएंगे और इस फार्मूला का भी यूज हो जाएगा। और जब आप मेरे सामने कभी पढ़ेंगे, जब स्कूल ओपन होगा उस समय जब आप सामने पढ़ेंगे ना, तो जो क्या होगा ना उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और बैठ करके आप पढ़िए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अभी देखेंगे आप सबकी कॉमेंट में आपकी प्रेजेंटेशन।